आप सभी लोगों का स्वागत है एक बार फिर से केजे क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। हाँ जी, थंबनेल आपने बिल्कुल सही पढ़ा। आज हमारे स्टूडियो में आए हैं एडवोकेट कशिश गुप्ता जी। सर, आपकी प्रैक्टिस इनडायरेक्ट टैक्स में हाई कोर्ट लेवल तक की है, तो आज हम आपसे कुछ इम्पोर्टेंट मुद्दे पूछेंगे, बड़े मुद्दे पूछेंगे हमारे सब्सक्राइबर के भी आप पर। तो सर, पहला क्वेश्चन ये है कि कई बार क्लाइंट हमारे पास लास्ट डेट में आता है और कहता है भाई मेरे नोटिस का रिप्लाई दे दो, मेरी अपील फाइल कर दो, मेरी रिफंड की एप्लीकेशन डाल दो। तो हम उससे कहते हैं कि भाई ये जो पेपर्स हैं जो हम लगा रहे हैं ये साइन कॉपी करके दे। और वो क्लाइंट मेरा बैठा हुआ है बिहार में, वो बैठा हुआ है बंगाल में, वो कहता है सर अगर मैं आपको साइन कॉपी भेजूँगा तो मेरे 2-3 दिन लग जाएंगे। तो आप इस मुद्दे में क्या कहना चाहते हैं कि अगर हम किसी नोटिस का रिप्लाई करें, कोई अपील फाइल करें या कुछ भी हम ऐसा करते हैं, तो क्या हमारे को क्लाइंट के साइन और स्टैंप चाहिए जिससे कि ऑफिसर को पता लग सके कि जी ये जेन्युइन केस है, ठीक है, इसमें कोई फॉर्जरी नहीं की गई, या बिना साइन के ही ईबीसी डालकर हम कर सकते हैं? इसके बारे में रूल 26 क्या कहता है और आपका क्या व्यू है और इसमें हाई कोर्ट्स क्या कहते हैं? सर प्लीज़ इस पर गाइड कीजिए। सबसे पहले तो शुक्रिया मुझे वापस इस चैनल पर बुलाने के लिए। काफ़ी लंबे टाइम के बाद हम ये वीडियो बना रहे हैं और बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपने अपना स्कूल भी इनॉग्रेट कर लिया है और काफ़ी अच्छा आप उसमें काम कर रहे हो जी। सोशल सर्विस भी कर रहे हैं, मैंने देखा कि काफ़ी बच्चों की आप हेल्प करते हैं उसमें जी। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं और मैं उम्मीद करता हूं कि आप अपने इस वेंचर को आगे लेकर जाएंगे जी। और अभी जो आपने बड़ा एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मुझसे पूछे, क्योंकि ऐसी प्रैक्टिकल डिफ़िकल्टी मैंने भी कई बार अपने ऑफिस में ही, कह लो अगर कोई न्यूली रिक्रूटेड है या अगर कोई क्लाइंट के साथ हम डील कर रहे हैं, वहाँ पर कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट है जो टैक्सेशन टीम में डील कर रहा है, तो एक बड़ा हमने एक ट्रेंड बन चुका है। आखिरकार हम इसमें किसी की गलती नहीं कह सकते कि मान लीजिए कि आज मुझे रिफंड डालना है और आज सेकंड ईयर का लास्ट डेट है, बिल्कुल, या अपील डालनी है आज लास्ट डेट है, वी आर टॉकिंग अबाउट द लास्ट डेट्स, राइट। तो होता क्या कि हमने कहा कि हम आपकी अपील फाइल कर देंगे, आप हमें बस ईवीसी अवेलेबल कर देना जब भी लास्ट मोमेंट होगा, या अगर वो कंपनी है तो डीएससी अपने पास रेडी रखना, बिल्कुल। तो वो कहते हैं कि सर आप ये ऐसे क्यों कह रहे हैं, आप हमें भेजें, हम इसको लेटर हेड पे प्रिंट करेंगे, साइन करेंगे, स्टैम्प करेंगे, स्कैन करेंगे, फिर आपको देंगे। फिर अगर मान लीजिए कहीं पर ये बातें नहीं चलती, तो वो कहते हैं कि हम इस पर डीएससी लगा के आपको डॉक्यूमेंट दे देंगे, देन यू अपलोड इट, बिल्कुल। और थर्ड जो आपने कहा कि रूल 26 क्या कहता है कि क्या मैं सिर्फ एक पीडीएफ में कन्वर्ट करके अपने सारे कंपाइलेशन को सिंपली अपलोड कर दूं पोर्टल पे और ईवीसी से सबमिट कर दूं? सबमिट कर, राइट। तो वैलिड मोड क्या है? तो रूल 26 जैसा आपके सामने है, इसमें कई तरीके लिखे हैं एक डॉक्यूमेंट को फाइल करने के लिए। चाहे ये रूल 26 रजिस्ट्रेशन में आता है, लेकिन ये सिर्फ रजिस्ट्रेशन को अप्लाई नहीं करता, क्योंकि उन्होंने लिखा ऑल एप्लीकेशंस इंक्लूडिंग एनी रिप्लाई टू द नोटिसेस, रिटर्न्स, अपील्स और एनी अदर डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड टू बी सबमिट अंडर द प्रोविजन ऑफ दीज रूल्स शैल बी सो सबमिटेड इलेक्ट्रॉनिकली। तो सबसे पहले आप देखिए कि उन्होंने क्या कि आपको इलेक्ट्रॉनिकली सबमिट करना है, बिल्कुल, विद डी एस सी, जो हमने एक ऑप्शन सबमिट डिस्कस किया कि या तो आप डिजिटल सिग्नेचर से सबमिट कर दें या कोई ई सिग्नेचर से सबमिट कर दें या वेरीफाइड बाई एनी अदर मोड ऑफ सिग्नेचर और वेरीफिकेशन एज मे बी नोटिफाइड बाई द बोर्ड। तो अब यहाँ पे बोर्ड ने वेरिफिकेशन के 3 मोड प्रिस्क्राइब किए हैं, ईवीसी, जो तीनों ही ईवीसी से ही है, ईवीसी विद नेट बैंकिंग, ईवीसी विद योर मोबाइल रजिस्टर्ड ऑन मोबाइल नंबर, राइट। तो आप गौर फरमाइएगा, इसमें ये तीनों तरीके हैं सबमिशंस के, इलेक्ट्रॉनिक के। तो अगर आपने सिर्फ अपने पीडीएफ डॉक्यूमेंट को कन्वर्ट कर दिया, सॉरी, अपने सबमिशंस को पीडीएफ में कन्वर्ट कर दिया बिना उसको लेटर हेड पे साइन कराए, स्कैन किए, या बिना उस पर डीएससी लगाए, अगर आपने अपलोड कर दिया, तो जब आप सबमिट करते हो तो वहाँ पे वो दोबारा पूछता है सबमिट विद डीएससी और सबमिट विद ईवीसी, राइट। कंपनी है तो डीएससी, अदर्स है तो ईवीसी, आप वैसे सबमिट कर देंगे तो इट इज अ वैलिड मोड ऑफ सबमिशन। ओके, मैंने कई रिफंड एप्लीकेशंस ऐसे ही फाइल की हैं, लेकिन अपील में तो कई बार मैंने देखा, अभी मैंने ना एक अपील फाइल करी थी, मुझे याद है मेरठ में, हाँ जी, ठीक है, मेरठ में मैंने अपील फाइल करी तो क्लाइंट के लास्ट डेट पर डॉक्यूमेंट्स नहीं आए थे, तो जो हमारे वकील साहब थे तो उन्होंने कहा कि जैन साहब आपको ना ये सारे पेपर फिजिकली साइन करा के देने पड़ेंगे 4 सेट्स में। तो मैंने कहा क्लाइंट हमारा था बिहार का, ठीक है ना, और उसकी गाड़ी यहाँ पे मेरठ में पकड़ी गई थी, तो हमने कहा कि सर वो पॉसिबल नहीं है, तो फिर उन्होंने कहा कि नहीं, और वो केस डिले हो गया हमारा इसी वजह से।
तो मतलब इसमें तो मतलब जी आप इस रूल को नोट कर लें। ठीक है, ऐसा शुरू में था कि जब इलेक्ट्रॉनिकली ऑफिसर के पास एक्सेस नहीं था तो वो हमसे हार्ड कॉपी मांगते थे। ठीक है, लेकिन आज की डेट में उनको भी अपने पोर्टल से ही प्रिंट निकालना है। ठीक है, और लो यही है कि आप अपना पीडीएफ अपलोड करें। ठीक है, उसको ईवीसी से सबमिट करें। भी अगर आप कोई डॉक्यूमेंट ईवीसी से सबमिट करें तो उसका मतलब ये है ना कि आपने वो देखा है, वो आप क्लाइंट ने ही साइन करा है। हां, दैट इज अ वेरीफाइड डॉक्यूमेंट। ओके, दैट इज अ वेरी, आप साइन डॉक्यूमेंट की बात नहीं चल रही, यहाँ पे बात चल रही है वेरीफाइड डॉक्यूमेंट। वेरीफाइड डॉक्यूमेंट, दैट इज अ वेरीफाइड डॉक्यूमेंट। अच्छा, अब यहाँ पर इस बात को आपको समझना है, तो अगर आप कोई भी नोटिस रिप्लाई वगैरह कर रहे हैं, अपील कर रहे हैं, तो आपको क्लाइंट के सिग्नेचर की कोई ज़रूरत नहीं है कि आप पहले उसे प्रिंट आउट निकालो, फिर उसे साइन कराओ, फिर उसे स्कैन करके लगाओ, क्योंकि वहाँ पर क्या होगा, फिर साइज भी तुम्हारा हैवी हो जाएगा। हाँ। फिर वहाँ पर विजिबिलिटी भी थोड़ी सी कम हो जाएगी, काफ़ी तो, चीज़ें सेक्रीफाइस होती, काफ़ी चीज़ें हो जाएंगी। तो आप उसे डायरेक्ट लगा सकते हो, और अगर कोई आप पे इस पर ऑब्जेक्शन करेगी, इस पर साइन नहीं है, कुछ नहीं है, तो आप यहाँ पर रूल 26 का हवाला दे सकते हो। अच्छा, ये आपका अप्लाई करेगा इलेक्ट्रॉनिक सबमिशन पे, जो हमने यहाँ हाईलाइट किया है। जी जी, इट मीन्स कि जो GSTN पे सबमिट हो रहे हैं, अगर आप ईमेल से सबमिट करते हैं कुछ रिप्लाई, हाँ, तो आपको फिर साइन चाहिए। हाँ, ईमेल वाली की बात नहीं हो रही यहाँ पर, जो पोर्टल से सबमिट करें। अच्छा सर, इसमें एक चीज़ और बताइए, कई बार जो ऑफिसर होते हैं वो जो अपना नोटिस देते हैं, वो अपना ऑर्डर देते हैं, अगर उसमें साइन नहीं है तो उसमें भी ये रूल चलेगा या नहीं चलेगा? देखिए, अभी हमने रूल 26 सब रूल 1 डिस्कस किया है। ठीक है, अप्लाई करता है जब हम सबमिशन कर रहे हैं। ठीक है, जब ऑफिसर को कोई डॉक्यूमेंट देना है तो उसके लिए है रूल 26 सब रूल 3। ठीक है, सब रूल 3। ओके, तो ऑफिसर का डॉक्यूमेंट अनसाइंड नहीं हो सकता। ओके, एन नंबर ऑफ जजमेंट्स हैं, रादर हमारे पास कुछ रिफंड के मैटर्स या रजिस्ट्रेशन के कैंसिलेशन ऑर्डर्स आए हैं, तो हमने देखा कि उसमें क्या लिखा होता है। फॉर एग्जांपल, ये आपका ऑर्डर है कैंसिलेशन का या रिफंड के रिजेक्शन का, यहाँ लिखा होगा एंड में डिप्टी कमिश्नर डिवीजन दिस, कुछ भी इतना लिखा होगा, ना उसके ऊपर ऐसे करके कुछ साइन होगा, ना उस पर DSC होगा। ठीक है, ये सिंपल आ गया। तो दिस इज एन अनसाइंड ऑर्डर विच हैज नो स्टैंडिंग इन द आईज ऑफ लॉ, इट इज नो ऑर्डर। ओके, यू कैन से, यू कैन टेक अ कंटेंशन कि द रिफंड एप्लीकेशन या एप्लीकेशन फॉर द कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन या रेवोकेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन, कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन, इट इज पेंडिंग विद यू, क्योंकि ये तो ऑर्डर ही नहीं है। ओके, तो दिस काइंड ऑफ कंटेंशंस आर बीइंग टेकन इन द कोर्ट ऑफ लॉ एंड आर बीइंग एंटरटेन्ड। इसके रिगार्डिंग मैं आपको कुछ जजमेंट्स का रेफरेंस देता हूँ। ठीक है, वैसे तो काफ़ी हैं, लेकिन जो आपको हेल्प रेफरेंस के लिए यूज होगा, तो अगर आपको रूल 26 सब रूल 1 पे कोई जजमेंट रेफर करना है, okay, जब मुझे साइंड डॉक्यूमेंट इलेक्ट्रॉनिकली अपलोड करने की जरूरत नहीं है, हाँ, तो उसके लिए मैं साइटेशन लिख देता हूँ 2023। ठीक है, 5 TMI 588, दिस इज इन द नेम ऑफ मेडिका मैन। ओके, और जब ऑफिसर का ऑर्डर अगर अनसाइंड है, दैट इज नो ऑर्डर इन द आईज ऑफ लॉ। Okay. उसके लिए एक है आपका बॉम्बे हाई कोर्ट का डिसीजन। ठीक है, साइटेशन है 2022। ये कौन से हाई कोर्ट का ऊपर वाला, 26 एक का? ये है राजस्थान हाई कोर्ट का। ये राजस्थान हाई कोर्ट का, ठीक है, TMI, और ये इसका है 1263, अनदर है 2022-7 TMI 1230, ये है दिल्ली हाई कोर्ट का। ठीक है, तो आप ये दोनों हाई कोर्ट की जजमेंट्स, ठीक है ना, ये तीनों हाई कोर्ट की जजमेंट्स आप यूज़ कर सकते हैं, अगर आपको ऐसा लगता है कि भाई आपके अगेंस्ट कुछ हो रहा है, विदाउट साइन अगर आप सबमिट कर रहे हो, आपके लिए वैलिड है, लेकिन ऑफिसर नहीं कर सकता, क्योंकि वहाँ पर उनके साइन की ज़रूरत है। आपने जो EVC से फाइल कर दिया, डेट इज़ सफिशियंट, क्योंकि EVC जब आपने लगाया, सिर्फ उस एप्लीकेशन पर नहीं लगाया, आपने उसके साथ जो अटैच डॉक्यूमेंट थे सब पे लग गया, वो EVC पे लग गया। ठीक है, सब पे लग गया, तो आपको ये बात क्लियर हो गई होगी। और अगर आप यही बातें डिटेल में समझना चाहते हैं, तो इस बार हमने क्या करा है, हमारा फेस टू फेस बैच स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, फेस टू फेस इट मीन्स लाइव बैच होगा। ठीक है, अगर आप दिल्ली में हैं, NCR में हैं, तो लाइव ज्वाइन कर सकते हैं फेस टू फेस, अदरवाइज पूरे ऑल इंडिया से आप जूम ऐप के थ्रू हमारे इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें हम 65 घंटे का कोर्स कराएंगे, जिसमें सारा सब्जेक्ट पूरा कंप्लीट कराएंगे। तो अगर किसी को ज्वाइन करना है तो हमारी टीम से बात कर सकते हैं। और मैं कशिश जी आपका धन्यवाद करना चाहूँगा कि आपने इतने इंपॉर्टेंट टॉपिक पर इतने कम शब्दों में हमें बता दिया, और आशा करता हूँ आपको ये चीज़ समझ भी आई होगी। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा ये वीडियो आपको कैसी लगी। इसमें सर और कुछ कहना है हमारे को? बस मुझे ये कहना है कि GST लॉ में इतनी बातें नहीं है, तो मेरा आपसे एक ही अनुरोध है कि ऐसा तो होता ही है,
अगर ये मान के आप जीएसटी का कॉम्प्लायंस करेंगे या अपील का रिप्लाई फाइल करेंगे तो जरूर गलती होगी ही होगी। अब मानिए मुझे भी ये बातें शुरू में जब हमने एनालाइज किया तो ये व्यू हमने बनाए, लेकिन फर्स्ट व्यू हमने बनाया था, सेकंड व्यू अनसाइंड ऑर्डर वाला, ये मेरी रिसेंट रिसर्च है। बिल्कुल ऐसे ही मैं किसी समझदार इंसान के साथ बैठा था तो ये बात निकल कर आई, तो हमने डिस्कस किया और मैंने सोचा ये भी एक, आप माने ऑर्डर आपके अगेंस्ट में है, अनसाइंड है लेकिन केसेस विद यू। ओके, तो मतलब इतनी बातें नहीं है जीएसटी लॉ में, तो आपको कुछ भी करना है तो एक एक चीज को सर दोबारा से पढ़ के करना है। रूल 26 पढ़ता ही नहीं है, वही मैं कह रहा हूं ना, रूल 26 पढ़ता ही नहीं है। क्यों नहीं पढ़ते हैं? क्योंकि ऐसा होता ही है, ऐसा होता ही है। तो आप भी अपडेट रहिए, इस तरह की नॉलेज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। इस वीडियो को देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। थैंक यू।